तेरा नाम क्या है? सही जो भी बताना एकदम सही बताना। नाम है कोई? क्या नाम है? भगवान दास। तू कैसे मर गए थे? बोला था टीवी। टीवी हुआ था तुमको? कहां पे टीवी हुआ था? मिलावली। अच्छा, कितने साल पहले तुम मर गए भगवान दास? तुमको मरे कितना साल हुआ? बीस साल पहले तुम मर चुके हो। जिसके ऊपर हो ये तुम्हारी कौन है? हमारी पत्नी। ये तुम्हारी पत्नी है? अच्छा, ये तुम्हारा ये कौन है? माँ है। तो तुम्हारा बापा ही तो है। मगर ये क्या बोल रहा है, सुनो तो सही। पहले थे, बाद में। हाँ हाँ, तो वही तो आप, ये तो तुम्हारा दूसरा बाप है ना, पहला उसका तो वही है, सही तो बोल रहा है। तुम्हारे बाप का क्या नाम था? सही। तुम काम क्या करते थे आप? खेती। तो तुम आदमी बीबीआई के ऊपर हो या कोई करवाया तुमको इसके ऊपर? कोई नहीं करवाया। तू आदमी मर्जी से इसके ऊपर हो? इसका तुमने क्या क्या नुकसान किया अब तक? इसका नुकसान तुमने अब तक क्या क्या किया इस औरत का, आदमी औरत का? कुछ नहीं, शरीर से परेशानी और इसे ही परेशान करते हैं। बस खाली इसी को? हाँ, रात में आते और बस भी परेशान करते। क्या परेशान करते हो अपनी बीवी को? क्या परेशानी देते हो? क्या बीमारी कोई या बॉडी में कोई परेशानी देते हो? क्या देते हो? जो शारीरिक संबंध बनते हैं वो तो तुम्हारी बीवी है, वही संबंध उसे बना के हट जाते हो। उसके बाद तुम इसको और क्या परेशानी देते हो ये बताओ ना। फिर डराते, भयानक रूप बना लेते हो अपना। आत्मा भयानक रूप बना लेते हो, इसको डरवा के भाग जाते हो। तो इसी के ऊपर परमानेंट रहते हो या हट भी जाते हो? हट भी जाते। कितनी बीवियां बनाए होगे अब तक तुम इसके अलावा? एक भी नहीं। यही को बनाया? और तुम्हारे से कितने बच्चे थे? तुम्हारी इससे जब शादी हुई थी तो तुम्हारे इससे बच्चे थे या नहीं थे? एक लड़की। एक लड़की, क्या नाम था लड़की का? उर्मिला। उसको तुम नहीं ना परेशान करते हो? नहीं। पक्का? सोच लो। कपड़ा क्या पहने हो तुम? साड़ी। साड़ी तो ये औरत पहनी है, तुम क्या पहने हो गधे? अरे तो पजामा, टी शर्ट। पैजामा और टी शर्ट पहने हो? हाँ। कहे तक तुम पढ़े लिखे थे? वही चौथा पांचवा। चौथा पांचवा। और तुम्हारी पत्नी कितना पढ़ी लिखी है? बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल नहीं पढ़ी है? तुम जब जिंदा थे तो दस्तखत बनाते थे? दस्तखत नहीं बनाते थे, अंगूठा लगाते थे। अरे यार, तुम पांच तक पढ़े हो तो तुम दस्तखत नहीं थी पेन में? नहीं लगाते थे। अच्छा, नहीं लगाते थे, दस्तखत नहीं करते थे, अंगूठा लगा देते थे। अच्छा, और कुछ पूछना चाहते हो आप? और साथ में कितने तो हैं? अभी कितने और हैं साथ में? एक ही भी नहीं। अभी पुष्टि हुआ था उसमें, अंदर में चार बताए थे। अच्छा, इसको पेट के अंदर करके कौन खिलाया? चलो ये बताओ। क्यों झूठ बोल रहे हो? पंडित जी ने पुष्टि कर दिया, जो पुष्टि किया आज तक गलत नहीं हुआ। यही तो चैलेंज है पंडित जी का, जो बोलेगा वही निकलेगा। क्या निकलेगा इसको? पूरी। पूरी, पूरी करके कौन खिलाया इसको? नहीं मालूम तुझे? अभी मैं तुझे मौत की सजा सुनाऊंगा। मौत, मौत, मुक्ति तुझे चाहिए। ये कौन है तेरा? ये देख, ये कौन है? ये बगल में देख, कौन है ये? फिर से देख उसको। ये कौन है? टोपी वाला। ये टोपी वाला तेरा कौन है? भाई। ये तेरा भाई है, सही बात है। मैं कौन? सही बात है, सही बात है, परफेक्ट है भाई। ये मियां बीबी हैं आप लोग, मगर वो जो है ये भाई कह रहा है, क्योंकि आप उसकी बीबी से आपने दोबारा शादी किया, सही है? तो ये भाई हो गया।
और जो इसके लड़के हैं वो बेटा हो गया बोल रहा है, आपको बोला ना बेटा ये तो सही बोल रहा है, उसको बोला भाई जो कि वो इसका मियां बीबी है दोनों ना, मगर वो क्या बोला भाई बोला, कोई भी पत्नी अपने पति को भाई किसी भी कीमत पे नहीं कहेगी, मर जाएगी मगर भाई तो नहीं कहेगी। तो ये जो इसके ऊपर भूत प्रेत है जो तुम्हारा पहला बाप वो बोल रहा है ये मेरा भाई, तो सही बोला। और ये कौन है ये चश्मिश, ये भी लड़का है। अच्छा ये भी लड़का है ठीक, तो तुम यार मरने के बाद इसको क्यों परेशान करे, तुम्हारी अर्थी कहां जली थी, तुम्हारी चीता कहां जली थी, जल परवाह किया था। अच्छा जल परवाह मतलब पानी में डुबा दिया, ठीक है। तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है, चाहते हैं कि हम ये खिलाए पिलाए। अच्छा ये तुम्हें खिलाए पिलाए, तो जो ये खाना खाती थी वो तुम खा जाते थे इसका, इतने साल से तुम इसके ऊपर हो तो जो ये खाना खाती थी तुम ही खा जाते थे इसका, और खून भी नोच लेते थे निचोड़ लेते थे, सही है ये बात, सही है ना। चलो आज तुम्हें हम भगवान जी क्या भेज देंगे तुमको, आज इससे तुम्हारा संबंध खत्म। कितने साल पहले मरे हो तुम, लगभग 20 साल। तो तुम्हारी प्राण कब निकली थी, दिन में रात में कब निकली थी, रात को कई बजे, प्राण कई बजे निकली थी, सुबह चार बजे प्राण निकली थी। चलो ठीक है, अभी हम तुम्हारी पत्नी जब होश में आएगी तब हम उससे भी पूछेंगे। तो जब तुम्हारी प्राण निकली थी तो तुम्हारे बगल में कौन कौन था, तुम्हारी जब प्राण निकली थी तो तुम्हारे बगल में कौन कौन था, कोई था, कोई नहीं था, अकेले थे तुम, ऊपर लेटे थे तुम, तो डॉक्टर साटकर को नहीं दिखाया था तुम, आगरे की दवाई चलती थी मगर कुछ हुआ नहीं। तो तुम अकाल मौत मरे हो या भूत प्रेत ने करके मार दिया तुमको, तो मरज बनी थी, मरज हुई थी ठीक है, तो ये भूत प्रेत के कारण या ये बीमारी हुई थी तुम्हें, बीमारी हुई थी। चलो ठीक है कोई बात नहीं है,